फ्रेंड्स, हमारा बहुत ही जल्दी बनने वाला चटपटा प्याज का अचार रेडी है। आइए सीखते हैं इसको कैसे बनाएंगे। सो देखिए, ये मैंने क्या किया है, मैंने ये दो प्याज लिए हैं, उनको आप छील लो और अच्छे से कपड़े से पोंछ लो, ताकि बोलते ना इसमें ना मॉइस्चर नहीं रहना चाहिए, तो 8-10 दिन ये अचार बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। और फिर इसको मैंने पीसेज में कट कर लिया है। पीसेस की साइज़ आपके अनुसार है कि आपको कितना रखना है। आप लंबे भी कट कर सकते हो, आप ऐसे भी स्क्वायर में भी कट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। आइए इस अचार को बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हम कुछ चीज़ें सेक लेंगे ताकि इसका स्वाद बोलते हैं ना वो बहुत बढ़ जाए। यहाँ पे मैं ले रही हूँ सौंफ, जो हमको नियर अबाउट 1.5 टेबल स्पून चाहिए। उसमें हम डालेंगे 1/2 टेबल स्पून जीरा, आधा टेबल स्पून घर की राई, जो नॉर्मल राई होती है हमारी, सरसों उसको डालेंगे, साथ ही मैं डालूंगी 1 सूखी लाल मिर्च, 2 टेबल स्पून मैं डाल रही हूँ दैट इज पीली सरसों, और 1 टीस्पून अजवाइन। इससे अचार का फ्लेवर इतना एनहांस होगा और टेस्ट भी बहुत अच्छी आएगी। एक 2 मिनट भुनने के बाद आप गैस बंद कर दीजिए और इसको हम दरदरा पीसेंगे। आप चाहिए तो मोटर पेसल जो होता है उसमें भी कर सकते हो, या और फिर आपके मिक्सर में। जस्ट आपको एक बार इसको दरदरा पीसना है। हमारे प्याज में हम ये मसाला ऐड कर देंगे, साथ ही फ्लेवर के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ 1 हरी मिर्च, बिकॉज प्याज 2 ही लिए हैं मैंने। हम यहाँ पे डालेंगे नमक, नमक नियर अबाउट 1.5 टीस्पून आप डालोगे, अचार है थोड़ा सा नमक ज़्यादा लगता है ताकि फ्लेवर्स अच्छे आए। मिक्स करेंगे इनको। इसमें मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, इससे ना कलर बहुत अच्छा आएगा अचार का। आइए अब तेल गरम करते हैं, इसका तड़का बनाते हैं। मैं इसमें ले रही हूँ सरसों का तेल, जो नियर अबाउट 3 टेबल स्पून मोर देन इनफ है। इसको अच्छा गर्म होने देंगे। अभी अच्छे से गर्म हो जाएगा, मैं इसमें डालूँगी थोड़ी सी कलौंजी, बिकॉज कलौंजी हर तड़के में बहुत अच्छी लगती है। हल्का सा जीरा, बहुत हल्का, बिकॉज अपन ने मसाले में डाला हुआ है। जब ये अच्छा गर्म हो जाएगा, याद रखिए आजकल हम लोग जो यूज़ करते हैं वो रिफाइंड ऑयल्स होते हैं, तो आपको बहुत धुएं तक करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कच्ची घानी का तेल ले रहे हो तो बहुत ज़्यादा बोलते ना, जब तक इसमें से धुआं ना निकले तब तक करो, अदरवाइज़ यहाँ पर ये बहुत है। गैस को मैं स्विच ऑफ करूँगी। हम ऐड करेंगे हींग नियर अबाउट 1/4 टीस्पून, अ पिंच ऑफ हल्दी, और 1 टीस्पून नॉर्मल अपनी घर की मिर्च पाउडर, और ये तड़का ऐड करेंगे अपने प्याज में, ठीक है। ऐड कर देंगे ये, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको ऐसे ही 2 घंटे रहने दीजिए और फिर खाने के लिए ये रेडी है, ठीक है। आप बॉटल में भर के रख दीजिए, ये बाहर 6-7 दिन टिकेगा अगर क्लाइमेट आपका नॉर्मल है तो, अदरवाइज़ फ्रिज में तो इसको 10-12 दिन कुछ भी नहीं होगा। बहुत ही चटपटा ये रेडी होता है। बट यस, इसको चटपटा बनाने के लिए एक लास्ट स्टेप आपको करना है, या तो इसमें नींबू डालना है या तो फिर इसमें अमचूर पाउडर डालना है। तो जब ये थोड़ा ठंडा हो जाएगा तब मैं ऐड करूँगी इसके अंदर दैट इज़ नींबू का जूस। अब ये अच्छे से ठंडा हो गया, आइए लेमन जूस मिलाते हैं। सो आप एक अच्छा बड़ा लेमन ले लीजिए, मोर देन इनफ, और इसको मिक्स कर लीजिए, ठीक है। सो गाइस, कलर देखिए कितना बढ़िया आया है अचार का। आइए इसको बॉटल में भी फिल कर लेते हैं।